दिनेश, छत्तीसगढ़ से एक और खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में रायपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने जल समाधि लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मांग की है कि सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड अभ्यर्थियों को हटाकर उनको नियुक्ति दी जाए। जी, हम लोग आज जल सत्याग्रह किए हुए हैं सर, क्योंकि 2 तारीख से हमने यहाँ आंदोलन में बैठा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। हमारे एक भी मांगों को अभी तक सुना नहीं गया। हमारे एक सूत्र ही मांग है, उसको भी आज तक नहीं सुना गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में निर्णय आए हैं सर। हम लोग बेरोजगार हैं, अपने घर से इधर उधर से चंदा करके, कहीं से भीख मांग करके हम लोग यहाँ पर आ करके अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। इतनी संख्या में हम लोग, हजारों की संख्या में, 4,500 की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पूरे परिवार हम पर आश्रित है। देखिए, क्या किस तरीके से यहाँ पर जो परेशानी थी वो तो यहाँ पर बयां की गई है, लेकिन इस परेशानी का हल कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात है।